हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हरियाणा एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसके प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट सेकेंड करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक आर बर्न एट ए टेम्परेचर रेंज ऑफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ब्रिक से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। पूछा है, ईंट जो होती है आपकी किस तापमान की रेंज पर जलाई जाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 500 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक, या 700 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक, 900 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक, या 1200 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक। ईंटें आपकी जलाई जाती हैं 900 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट दे रखे हैं, हम कवर करके चलेंगे। कच्ची ईंटों को पकाने के लिए 900 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। पकने के बाद ईंट का रंग जो है, कलर विशेष रूप से लाल होना चाहिए और जो भी उसके कॉर्नर होते हैं वो स्पष्ट यानी सीधे होने चाहिए। ईंट अपने माप यानी अपनी साइज से प्लस माइनस 3 mm से अधिक डिफरेंस नहीं रखनी है। फर्स्ट क्लास की ब्रिक की स्ट्रेंथ जो है 105 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर यह ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये आपके कुछ पॉइंट थे ब्रिक से जो हमने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इट इज नॉट स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ होल्ड फास्ट फॉर ए डोर इज यूजुअली। इस क्वेश्चन में पूछा है, जब निर्दिष्ट ना हो यानी जब दिया गया ना हो, तब एक दरवाजे के लिए होल्ड फास्ट की संख्या सामान्यता होती है। होल्ड फास्ट की संख्या होती है 6। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहां पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं, दो पल्ले वाले सामान्य दरवाजे के लिए निम्न बंधक होते हैं, होल्ड फास्ट होते हैं, छेनग या कील, कब्जे सहित पैंच होते हैं 6, चिटकनी होती हैं 3 नग, हैंडल होते हैं 3 नग और डोर क्लोजर होते हैं 2 नग। अगला क्वेश्चन है, ए कंपेयर टू टॉप रेल द बॉटम एंड लॉक रेल इन ए डोर फ्रेम आर नॉर्मली मेड। डोर फ्रेम में टॉप रेल की अपेक्षा बॉटम और लॉक रेल सामान्यता बनी होती हैं, पतली होती हैं या मोटी बनी होती हैं, चौड़ी बनी होती हैं या फिर बहुत ही पास पास में बनी होती हैं। ये बनी होती हैं चौड़ी। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं, डोर फ्रेम या दरवाजे ढांचों में शीर्ष पट्टिका की अपेक्षा तल और लॉक रेल सामान्यता चौड़ी बनी होती हैं। फ्रेम की सबसे ऊपरी जो हॉरिजॉन्टल पट्टी होती है उसके हेड को पट्टिका कहते हैं तथा तल पट्टिका फ्रेम की सबसे निचली क्षैतिज पट्टिका होती है। ये 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर चौड़ी रखी जाती है, इसे ठोकर पट्टी भी कहते हैं। ताला पट्टिका पर ताला लगाने के लिए सरकन बोल्ट लगाया जाता है, ये 20 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये फर्श तल से 75 से लेकर 85 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ए 16 गेज स्टील शीट विल रफली हैव थिकनेस इक्वल टू। एक 16 गेज स्टील परत की मोटाई है लगभग,
तो ये मोटाई है लगभग 1.52 mm। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको बहुत ही काम की जानकारी दे रखी है। एक इंच के 16वें भाग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सूत। तथा एक सूत जो है 16 गेज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। द परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच इन ए रिवेटेड जॉइंट इन टेंशन इज। यहाँ पर पूछा गया है तनाव में रिवेटेड जॉइंट की परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच कितनी होती है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ये होती है 16T या 200 mm में से जो भी कम हो। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। टेंशन में 16T या 200 mm में जो भी कम हो। बात आती है आपके कंप्रेशन की, तो ये मान प्लेट की मोटाई का 12 गुना यानी 12T या 200 mm में से अधिक नहीं लिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है मौसम प्रभावन में कंप्रेशन प्लेट में टांका रिवेट की पिच 200 mm या बाहरी प्लेट की मोटाई का 16 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बन कंटेंट इन स्टील वेरीज इन जनरल फ्रॉम। स्टील में कार्बन की मात्रा सामान्यतः परिवर्तित होती है। ये होती है 0.1 से लेके 1.5 तक। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से लेके 1.5% तक होती है। ये अधिक लचीला आघात वर्धनी होती है। इसमें जंग आसानी से लग जाती है। तथा ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा 2 से लेकर 4% तक होती है। ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन, इसकी तनन क्षमता कम लेकिन कंप्रेशन क्षमता ज़्यादा होती है। आपका जो रॉट आयरन होता है उसमें कार्बन की मात्रा 0.15% होती है। ये तन्य होता है और उसके साथ साथ में चीमर भी होता है। ये पॉइंट भी आपको सारे याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है एज पर IRC रिकमेंडेशन द रोल्ड वे विर्थ फॉर सिंगल लेन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे इन माउंटेनियस और स्टीप ट्रेनेज। यहाँ पर पूछा है IRC अनुशंसा के अनुसार पर्वतीय या अतिप्रवण भूभाग में सिंगल लेन नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। 12 मीटर होनी चाहिए, 9 मीटर होनी चाहिए, 6.25 मीटर होनी चाहिए या फिर 8 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको और पॉइंट दे रखे हैं। राष्ट्रीय महामार्ग के लिए यानी नेशनल हाईवे के लिए ये 8.80 मीटर, मुख्य जिला सड़क के लिए 4.75 मीटर और आपकी जो विलेज रोड होती हैं ग्रामीण सड़कें इनके लिए 4 मीटर ली जाती है। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल डिपॉजिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। यहाँ पर पूछा है एक नेचुरल सॉइल के लिए डेंसिटी इंडेक्स को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं। द परसेंटेज वॉइड्स का करते हैं, द परसेंटेज मॉइस्चर का करते हैं, द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का करते हैं या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यूज करते हैं द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। प्राकृतिक मृदा निपेक्षों के लिए डेंसिटी इंडेक्स सापेक्ष सघनता दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। मृदा का घनत्व सूचकांक अधिकतम रिक्तता अनुपात व प्राकृतिक रिक्तता अनुपात के अंतर एवं अधिकतम रिक्तता अनुपात
व न्यूनतम रिक्तता अनुपात के अंतर का अनुपात होता है। इसे आईडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिक्तता अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं वॉइड रेशियो। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। यहाँ पर पूछा है किस सॉइल में सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, सैंड में, सिल्ट में, क्ले में या फिर ग्रेवल में। सबसे ज़्यादा होता है क्ले में, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। मृतिका या क्ले की सुघट्यता सूचकांक अधिक होता है। क्ले के पार्टिकल का साइज 0.002 से लेके 0.0002 mm तक होता है। यह सूक्ष्म कणों वाली सॉइल है तथा इसमें ससंजन और प्लास्टिकता का गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। यह गीली अवस्था में नरम तथा शुष्क अवस्था में ठोस होती है। इस मृदा का परगैमता गुणांक बहुत कम होता है, अतः जल निकास के लिए ये उपयुक्त नहीं है। आज हमने हरियाणा जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।